नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, 64वीं बीपीएससी में 26 रैंक लाने वाले नितेश कुमार जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले नितेश जी, आपको इस बड़ी सफलता पर बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू हर्ष जी, थैंक यू, अभिनंदन। नितेश जी, आपने 64वीं बीपीएससी में 26 रैंक लाया है जी और रिजल्ट आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी देखिए, ऑब्वियसली खुशी होगा क्योंकि एक बहुत लंबा संघर्ष रहा हम लोगों का, लेकिन तब भी एक ऑब्वियस सा था कि जब इंटरव्यू दिया उसका लगा कि हो जाना चाहिए, तो रिजल्ट आया। लेकिन इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, था कि जी नाम आ जाएगा लिस्ट में, बस उसी से हम खुश हो जाते। जी जी लेकिन ऑब्वियसली अच्छा खुशी रहा, सबका आशीर्वाद है, सब खुश हैं, घर में भी खुश हैं। जी 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 नितेश जी, सबसे पहले हमारा यह प्रश्न रहेगा कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जो कि सभी जी छात्र जानना भी चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रैंक लाया है। तो आप बताएं जी अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। जी जैसे आप तो हमारे क्लासमेट ही हुए हैं पटना कॉलेज में, हम लोग जी एक साइंस पॉल साइंस एक साथ पढ़े हैं पॉल साइंस में। तो जी जी उसके पहले मेरा जो बेसिकली स्कूल एजुकेशन था, 10वीं हम पटना से ही किए हैं, 10वीं 12वीं दोनों मेरा पटना से ही रहा। जी उसके बाद हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पटना कॉलेज से जी किए, और उसके बाद से ही हम तैयारी में लगे। आगे का स्टडीज़ में हम नहीं किए, जैसे ना मास्टर्स में एडमिशन लिए, उसके बाद सिविल सर्विसेज में हम लग गए। इसके पहले 2 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट हम दिए थे, जी तो जिसमें बेसिकली हम उसका प्री स्टेज में ही फेल कर गए थे। तो जी 18 में मेरा अटेम्प्ट था, उसके बाद फिर इसका नोटिफिकेशन आया था 64वीं बीपीएससी का, तो इसमें हम फिर लग गए कि पहले एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं जो है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। जी जी तो नितेश जी, जैसा कि आपने कहा कि बैकग्राउंड ले लेना चाहिए, तो क्या मतलब आगे जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि डायरेक्ट वो बीपीएससी की या कमीशन की तैयारी में लग जाएं, या उनको कोई चीज़ पहले अपने एजुकेशनल से या इकोनॉमिक रूप से मजबूत होकर तैयारी करने चाहिए, ये बीपीएससी या यूपीएससी? देखिए, वो सबका अलग अलग अपना सिचुएशन होता है। जी अगर जी कोई किसी कॉन्फिडेंट है कि हम कर लेंगे तो जी बिल्कुल करना चाहिए। उसी आधार पे हम भी शुरू किए थे कि हमको आगे एजुकेशन जरूरत नहीं, हम निकाल लेंगे। लेकिन कुछ दिक्कत हुआ, नहीं हुआ मेरा, जिस वजह से हम सोचे कि कुछ कर लिया जाए, पहले बीपीएससी या आप हायर एजुकेशन को साइड बाय साइड करते चले, जो आपका ऑप्शनल है जी जी उसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे दो रास्ता रहेगा, एक प्लान बी रहेगा, तो जी जी आपको भी मानसिक चैन रहेगा, संतुष्टि। क्योंकि देखिए, कंपटीशन है, सब कोई कहोगा नहीं, ये एकदम ऑब्वियस सी बात है, जी 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 कुछ कहोगा कुछ हटाएंगे। तो अब जिंदगी हम लोग बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं, जनसेवा का अलग अलग भी माध्यम है। आप टीचर बन के या हायर एजुकेशन में जाकर के पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जी एनजीओज वगैरह में। तो आप जो आपका आधार है आप उसको चुन सकते हैं। किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई बिजनेस वगैरह है, तो जी वो डायरेक्ट भी इसका तैयारी में लग सकते हैं। जी नितेश जी, ये बताइए कि बीपीएससी में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहे और इसमें कितने मार्क्स आए हैं? जी इसमें एक ही ऑप्शनल अब रखना रहता है, जी पहले दो था। तो इसमें हम लोग, मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था जिससे ग्रेजुएशन किए, तो जी ऑब्वियस सा था कि इसको चुन लेते हैं। इसमें हमको 300 मार्क्स का एक पेपर होता है जिसमें दो पार्ट होता है, तो जी उसमें हमको 192 रहा था। वाह, बहुत अच्छा है। ये माध्यम आपका कौन सा रहा था जी एग्ज़ाम? इंग्लिश था मेरा, जी 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 इंग्लिश था। नितेश जी, ये बताइए कि आपने मेंस की तैयारी कैसे की, प्री की तैयारी की कैसे की? आप संक्षेप में बताएं कि प्री और जी मेंस जी की जी तैयारी कैसे की, क्योंकि आपने 26 रैंक लाया है, तो जो भी जी छात्र आपसे जानना भी चाहते हैं कि तैयारी का जो क्या प्रोसेस था वो आप बताएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जी देखिए, सबसे पहले तो प्री के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि पहला स्टेज वही है। जैसे जी अभी मान लीजिए 67th बीपीएससी का प्री होगा, अभी नोटिफाई किया जाएगा अगस्त वगैरह में, तो जी जी उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अभी जो आपके पास समय है इसमें आप अपने ऑप्शनल पे पकड़ बनाइए। क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आप उसमें 200 टच कर जाइएगा, अगर ह्यूमैनिटीज वाले आपके सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेस के हैं, जी तो बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए कि आपका हो जाएगा। जी बाकी रहा, उसके साथ साथ आप प्री की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मोनोटोनिटी हो जाता है, दिन भर आप एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो जी आप क्या कीजिए कि प्री में जो सबसे ज्यादा इश्यू होता है वो बच्चों को होता है करेंट का,
जी क्योंकि करंट्स लगभग 40-50 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। तो करंट का जो मेरा सोर्स था वो था यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल, जैसे एडुटेरिया हुआ, जी जी स्टडी आईक्यू का मंथली 300 का कंपाइलेशन आता है, उसको आप कर सकते हैं। जी जी एक सीएमई कोचिंग है, उसका भी अच्छा पॉइंटर्स आता है, उसका एक बुकलेट आती है, आप बाजार में जाके ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। जी और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर। जी साइंस के लिए लूसेंट्स का किताब मेरे से काफी होता है, जी जिनको उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जी अगर आपके पास समय है एनसीईआरटी से पढ़िए। हिस्ट्री के लिए जो कॉमन जो बाकी लोग सजेस्ट करते हैं वही हम भी करेंगे, चाहे आप लूसेंट्स का पढ़िए या क्रॉनिकल का आता है, एक पतली सी मैगजीन आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए भी अच्छा होता है, जी जी ज्योग्राफी के लिए थोड़ा मैप वर्क जरूर कीजिएगा, जी जो क्योंकि बिहार का एग्जाम देना, तो बिहार में नदियां, ये पठार, ये सब कौन कौन सा है, तो जी जी प्रीवियस ईयर इसमें सॉल्व कीजिए। और आप इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स का, कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन इकोनॉमी से होते हैं, जी तो उसके लिए आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे हर साल रिलीज किया जाता है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जी तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि उसका थोड़ा सा सरसरी निगाह से उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से आपको बिहार के जो करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं वो आपको मिल जाएगा। जी और मेरा जो मूल मंत्र था वो यही था कि प्रीवियस ईयर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, मैंने मन नहीं लगे तो डेली 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करते रहिए, आज से अगर आपको तैयारी करनी है आज से लग जाइए उसमें। जी अब जी बाजार में कोई भी आप टेस्ट सीरीज की किताब आती है उसको उठाइए और हर वीक में 2 पेपर उसका सेट को पूरा कर लीजिए, आप आश्वस्त रहिए कि आपको हो जाना ये चाहिए। काम प्री और मेंस दोनों के पेपर के करना है। ये प्री के लिए है, जी अब जी थोड़ा सा आपको मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में आपको लगभग कितना 3.5 पेज के अप्रोक्स लिखना पड़ता है एक क्वेश्चन का, जी जी तो उसमें जो GS1 है, इसमें एक्चुअली दो पेपर होता है जीएस जी का जी मेंस में, उसमें एक होता है GS1 जी जी जो कि थोड़ा स्टैटिक होता है और उसमें लोग गेस कर सकते हैं। जी जी इसमें सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो 2 क्वेश्चन स्टैट्स के आते हैं उसको आप आज से डेली आप प्रैक्टिस कीजिए स्टैट्स को, जी और उसमें 72 में 72 आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वो अगर आपका आ गया तो आपको इसमें 180+ इस पेपर में आपको टच कर जाएगा, जो कि आपको क्वालिफाई करवा देगा। जी जी उसके लिए आप बस प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर का, या कोई बाजार में से खरीद लीजिए टेक्स्ट बुक और उसको सॉल्व कीजिए डेली एक, और प्री के बाद दो दो डेली सॉल्व कीजिए। फिर इसमें एक हिस्ट्री का पार्ट होता है, हिस्ट्री एंड बिहार कल्चर, तो उसके लिए आप जो मौर्य नाट, पालाट, नेहरू, गांधी, टैगोर, जी सबका जी नोट्स बना करके, बिरसा मुंडा, जी जी 1857, और उसको बढ़िया अच्छा नोट्स, बाजार से थोड़ा अलग नोट्स बनाइए और उसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए, जी और कहीं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिखने का एक तरीका होता है कि आप सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढाल रहे हैं, 3 घंटा में प्रेशर है, जी बाकी बच्चे कर रहे हैं, आप फंस गए हैं कि क्वेश्चन में, आप किस तरीके से आप उस मेंटल प्रेशर से उबर पाइएगा, तो एक टेस्ट सीरीज में आपको अच्छे से हो जाएगा। जी उसके बाद इसमें एक एक करेंट का पार्ट आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, जी उसके लिए हम विजन का मंथली कंपाइलेशन आता है, वो भी जी आपको जी वेबसाइट पे उसके फ्री में मिल जाएगा, जी और विजन का ही मेंस 365 का आता है, उसको डाउनलोड कीजिए, जी जी सेलेक्टिव टॉपिक, सारे जी जरूरत नहीं बीपीएससी के लिए, जी जी उसको आप बनाइए सॉल्व हो जाएगा। फिर GS2 का जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स था जी वो था बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, जी उसको आप, उसका हर चैप्टर अपने आप में क्वेश्चन के बराबर है, उसमें खास करके बिहार गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं जी उनको आप एक पेज में मेंशन लिख लीजिए, और कुछ फैक्ट्स उसमें होते हैं कि कौन जिला टॉप है कौन जिला नीचे है, जी उसको लिख करके, और इस पेपर में हर जगह अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए पूछे साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जी उसमें बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या अपनाया है, एक पैरा में आप उसको मेंशन कर दीजिए कि 5 स्कीम्स है, ये स्कीम्स हैं, सब जी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। इसमें एक पार्ट होता है पॉलिटी का, तो मेरा तो जी पॉलिटिकल साइंस था तो ज्यादा हम उसका नोट्स बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ा, जी लेकिन जो है वो आप विजन का ही मटेरियल से जो मंथली आता है जी या नहीं तो मेंस 365 से आप कीजिए। जी इसका मूल मंत्र रहेगा मेंस में कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग, मल्टी डायमेंशनल, जी उसको हर अप्रोच से आप कीजिए, अब बिहार के पर्सपेक्टिव से लिखिए आंसर्स को, जी आप बहुत अच्छा नंबर आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोई आप बताएं, इनका क्या, इसका इस पेपर के लिए आपने कैसे तैयारी की? पॉलिटिकल साइंस मेरा जी ऑप्शनल था तो जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पॉल साइंस ज्यादा लोग लेते जी नहीं है जी बीपीएससी में, जी हाँ ये यूपीएससी में बहुत अच्छा पेपर माना जाता है, बीपीएससी में इसका मार्किंग थोड़ा कम रहता है। जी तो देखिए इसके लिए दो, हमने जो मेरा मेन सोर्स था वो था शुभ्रा रंजन मैडम, एक है जी वो जी जी कोचिंग है उनका, उनका
बाजार से आप 2009 का नोट्स, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न चेंज होने के पहले का नोट्स, जी और 2017 का नोट्स को लीजिए, उन दोनों को मर्ज करके जी आप अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लगभग 5.5-6 पेज का आंसर लिखना पड़ता है, तो जी मर्ज करके अपना उसका नोट्स बनाइए और उसको बिल्कुल रिवाइज कीजिए रेगुलरली, समझिए कि रट जाइए। जी आप कुछ कुछ फोटो कॉपी रहता है तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे उसमें, तो जी उसको आप ओपी गावा से या एनडीए अरोड़ा टीएमएच की आती है उसके आप उसको ओवरकम करने का प्रयास कीजिए। इसमें जो जी सेकंड पार्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जी उसके लिए आप पेपर रीडिंग का आदत डालिए। पेपर में बहुत सारे एक्स डिप्लोमेट्स हुए हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो आप जी उनको अपने का आर्टिकल्स को पढ़िए, जी आप एक नोट्स में उन सब के नाम के साथ कि मनोज जोशी ने ये कहा, सी राजा मोहन का ये विचार है, जी जी सुहासिनी हैदर जी का ये विचार है, स्वर्ण सिंह प्रोफेसर का ये है, पुष्पेत पंत जी का ये, उन लोग को लिखिए, क्योंकि जी ये पॉलिटिकल साइंस का सारा खेल ही आंसर राइटिंग का है। बिल्कुल आप आंसर राइटिंग में इन लोगों को डायनेमिक पोर्शन को डालना ही पड़ेगा, मैप्स को डालिए, इंडो चाइना पूछ रहा है तो आप दिखाइए लद्दाख कहाँ है, अरुणाचल कहाँ है, स्टेट्स ऑफ मलक्का कहाँ, इन सबको दिखाइए। आपको जी 2 नंबर 3 नंबर स्कॉलर्स को कोट कीजिए, जो जो आपको स्कॉलर्स का नाम लिए, जी जी आपको बहुत अच्छा इसमें मार्क्स आएगा, जी यही मेरा सोर्स था। नितेश जी, सामान्य प्रश्न एक ये भी आते हैं कि आपने प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई किया? जी, नहीं देखिए, ये मेरे लिए हम कभी ना ऐसा घड़ी देख के नहीं पढ़ाई की है, जी और जी लोगों को करना भी नहीं चाहिए। जी आप टॉपिक रखिए कि हम जी आज 2 टॉपिक करेंगे या 1 टॉपिक या 1 नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके उसको, तो आप टॉपिक वाइज पढ़िए, घंटे वाइज हम कभी ऐसा एग्जैक्ट नहीं कह सकते। लोग जी कहते हैं कि 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा, जी जी लेकिन ऐसा मेरा कुछ नहीं रहा। हम टॉपिक उठाते थे, हम जी सोचते थे कि इसका 50% आज कर लेंगे दोपहर तक, जी उसके बाद शाम में इसका बाकी पार्ट करेंगे, बीच में हम कुछ दूसरा कुछ कर लेते थे, तो हम टॉपिक वाइज पढ़ते थे, आवरली हम मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि घड़ी देख के पढ़ाई। जी जी नितेश जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके इंटरव्यू किस बोर्ड में थे और इंटरव्यू जी आपके कैसे रहे, कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि वहाँ आपसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे। जी जी देखिए, इंटरव्यू मेरा मेंस का हुआ, तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो बहुत आश्वस्त हूँ, इसलिए मेरा मेंस हो गया, अब जी फाइनल स्टेज है। तो जी इंटरव्यू मेरा 11 दिसंबर 2020 को था, वो करीमी सर का बोर्ड में पड़ा था, जी जी तो उसमें लगभग मेरा इंटरव्यू 12 मिनट चला, 12-15 मिनट से कम ही चला था, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं, जी दिन के हम उनके लास्ट थे। तो ओ जी सबसे मेरे पहले एक कैंडिडेट गए थे, तो वो थोड़ा गोरे ज्यादा थे, तो उनका मुंह देख के पूरा लाल हो गया था उनका, मुझे वो निकल के बाहर आए, तो जी उनको देख के हमको भी इश्यू हो गया, यार क्या अंदर पूछ रहा है कि ऐसा इनका हालत हो गया। जी जी फिर हम गए तो कॉन्फिडेंटली आप एंट्री कीजिए, प्रणाम वगैरह जो आपको करना है कीजिए, फिर वो जी कहेंगे कि आप बैठ जाइए, उनके बिना बोले बैठिए नहींगा, बोले बैठिए, मास्क हटाइए, उसके जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या था, झूठ वहां मत बोलिएगा जी कि जी सर ये है वो है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से क्या किया है, ऑप्शनल क्या है, उसका ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन थे जैसे करप्शन क्या होता है, इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में पूछा गया, फिर जी आप ऑफिसर बनिएगा तो आप करप्शन अपने ऑफिस में कैसे कम कीजिएगा, जी फिर दूसरे वो तो चेयरमैन करीमी सर ने खुद पूछा, उसके दूसरे ने हमसे टेररिज्म के बारे में पूछा, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के बीच के अंतर के बारे में पूछा, जी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में पूछा, फिर तीसरे कैंडिडेट ने हमसे, तीसरे बोर्ड मेंबर ने हमसे पूछा कि कम्युनलिज्म पे कुछ क्वेश्चन किया गया जी जी और कश्मीर पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन था, और जी लास्ट जो थे उन्होंने से महावीर पे हमसे पूछा, महावीर जी के बारे में, चाणक्य मैकेवेली के अंतर के बीच में अंतर क्या है, इंडिया चाइना अमेरिका के पास्ट और जी प्रेजेंट के को कंपेयर करने के लिए कहा गया, और तीनों देश को मैंने क्या उन लोग का आगे का आप कैसा फ्यूचर देखते हैं उसके बारे में कहा गया, और इसके बाद हमको जाने के लिए कह दिया गया था। हम बहुत मतलब खुश थे, सेटिस्फाइड थे अपने इंटरव्यू से, जी और 85 नंबर हमको मिला 120 में, जी जो कि जी शायद जहाँ तक अभी तक जो अच्छा जानकारी जी है जी जी वो मैक्सिमम ही रहा है उस बोर्ड का, ओ 85 नंबर। जी जी नंबर आपको बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है 92 जी हाईएस्ट इंटरव्यू में गए हैं। जी 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 वो दूसरा किसी बोर्ड से जी गए जी होंगे। जी 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 दीप्ति मैडम भी हम लोग की पटना कॉलेज की प्रोफेसर हैं, वो जी भी जी एक थी दूसरे बोर्ड में, जी जी चौधरी सर भी थे, तो उन लोगों ने 90+ दिए हैं एक आध गो को, जी लेकिन जी इनका शायद जहाँ तक हमको जानकारी 85 जी हाईएस्ट रहा है इनका। जी नितेश जी, ये बताइए कि
अब आपका आगे का क्या लक्ष्य है? आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, अब आपका क्या करना है, क्या कार्य रहेगा अब आपके? अभी तो इंतजार में है कि ज्वाइनिंग कब आएगा, उसके बाद सर्विसेज ज्वाइन करना, काम करना है, जी, और अभी ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है। अभी तो बस बधाई आ रही है इधर से उधर से, मिठाई वगैरह चल रहा है, ऐसा कुछ खास जी सोच जी नहीं है हम आगे। बाकी अब ज्वाइनिंग वगैरह के बाद इसमें अच्छे से काम करना है जी और बिहार के लिए कुछ काम करना है। नितेश जी, आपने तो संक्षेप में बता दिया कि इस प्रकार से तैयारी प्री मेंस इंटरव्यू का करें, लेकिन अगर मैं संक्षेप और मैं सटीक आपसे पूछूं कि आगामी जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं और वो खासकर जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको जी आप जी क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे जी मान लीजिए ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे या ग्रेजुएशन हो गया है, इंतजार कर रहे हैं एज का, जी तो आप लोग सबसे पहले पेपर पढ़ने का आदत डालिए। जी आप पेपर पढ़िए तो आपको उससे आप रिलेट कर सके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब एक अच्छे से आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। जी उसके बाद अगर आपका मतलब 12वीं में आर्ट्स नहीं रहा, तो आप आर्ट्स की किताबें जो एनसीईआरटी की आती हैं, पॉलिटी का हुआ या हिस्ट्री का, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसको कोशिश कीजिए। और ये समय है आपका ऑप्शनल पे वर्क करने का, क्योंकि जी इस बार देखा गया कि जीएस में लगभग सबको जो मार्क्स आया है, जो टॉपर्स हैं उनको वही मार्क्स है। सारा खेल इस बार ऑप्शनल का रहा है, क्योंकि जी 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 मैथ्स वाले को देखें कि 200 शायद 70 प्लस भी जी दिया जी गया है टू 300 में, तो आप हंड्रेड ऑप्शनल पे वर्क सेवेंटी कीजिए। एट मार्क्स आए हैं टॉपर के। जी, तो उतना तो खैर हम लोग आर्ट्स वाले को जी पॉसिबल जी ही नहीं है लाना। जी जी तो अभी आप बिल्कुल वर्क कीजिए अपने ऑप्शनल पे, जी और ज्यादा टेंशन लेके मत पढ़िए। अभी अभी अपने आप को बस पर्सपेक्टिव्स में ढालिए कि क्या है, कैसे पढ़ाई करना है। पेपर पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, और जो जनरल जो बेसिक बुक्स होते हैं, अगर हिस्ट्री के लिए बहुत बेसिक सा बुक आता है एक, आपको क्रॉनिकल का जी जी पतली सी मैगजीन है, उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो खास करके जो साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए ये सब है, तो ज्यादा करने का, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अभी आप एंजॉय कीजिए प्रोसेस को। जी जी नितेश जी, मैं आप तो हमारे प्रिय मित्र हैं, क्लासमेट हैं, जी मैं जी आपके मतलब मार्गदर्शन बराबर जितने भी हमारे लिसनर हैं यूट्यूब के उनको दूंगा, क्योंकि आपके मेंस के जो लेखन शैली है वो भी मैं बताऊंगा आने वाले समय में कि आपने किस प्रकार से लिखा है। तो नितेश जी, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जी थैंक इतना यू, कीमती समय निकाला, फिर से बहुत बहुत बधाई।